राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयपुर में सचिवालय का घेराव किया गया। इस घेराव को लेकर अजमेर के सभी विधायकों के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जयपुर के लिए रवाना हुए। अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बसों के माध्यम से जयपुर के लिए रवानगी की। इस मौके पर अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसान, बेरोजगार और युवाओं के साथ हर वर्ग के साथ छलावा किया है। वादा खिलाफी करते हुए उनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। पहले सभी को लालच दिया गया और उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार पेपर लीक में शामिल हुई और किसानों और बेरोजगारों को भी कुछ नहीं दिया। लगातार हर वर्ग के साथ छलावा करते हुए ये सरकार कानून व्यवस्था में भी विफल साबित हुई। गैंगरेप, बलात्कार और गैंगवार की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही है, लेकिन सरकार निष्क्रियता से बैठी है और अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए षड्यंत्र करती नजर आ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव किया गया। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अजमेर से हजारों की तादाद में रवाना हुए। बस नकारा निकम्मा सरकार जिसने 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्जे माफी की बात की, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की और ठीक उसके विपरीत जिस प्रकार से 4.5 वर्षों के अंदर आज किसानों की स्थिति यह है कि उनको अपनी ज़मीनें नीलाम करनी पड़ रही है, युवाओं के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया गया कि RPSC के अंदर 18 बार पेपर लीक हुए, परीक्षाएं निरस्त हुई, तो कुल मिलाकर के एक धोखा इस प्रदेश की जनता के साथ किया गया। जिस प्रकार से और महिलाओं पर अत्याचार इस राजस्थान में बढ़े, आज पूरे देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार में ये नंबर 1 पर प्रदेश है, दलितों पर अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 पर है और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता ने इस बार मन मानस बनाया है कि इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो एक संकल्प लिया है उसके तहत नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वाहनों के साथ जयपुर सचिवालय के घेराव के लिए पहुँच रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प अब जनता ले चुकी है, मानस बना चुकी है, हम उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं।